पवन आरुंता का लंदन से एक नया वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें पवन आरु अपने नए सफर के लिए निकल दिए। जहां इनका इवेंट था वहां से अब ये दूसरी जगह पहुंचते नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज पर पवन साइली आगे आगे चल रहे हैं, जबकि पीछे अरुणिता चल रही है और अपने फैंस को अपनी प्यारी सी मुस्कान दिखा रही है। पवनदीप और साइली एक दूसरे से बात करने में बिजी हैं, जबकि अरुणिता अपने फैंस को पोज देती नजर आई। वो नीचे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं, हाथ हिलाती नजर आती हैं और उनका पूरा ध्यान अपने फैंस पर होता है। अरुणिता की खुशी साफ दिख रही है। अरुणिता इतनी खुश है कि बीच बीच में उन्हें झटका लगने लगता है, वो हाथ पैर फेंकने लगती हैं। पवन संभालने आते, उनसे बात करने आते तो वो उनका हाथ भी झटक देती हैं। दरअसल हुआ ये कि लंदन में पहले इवेंट को करने से पहले बैक साइड में अरुणिता अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करती नजर आई। प्रैक्टिस करते करते अरुणिता जब बोर हो जाती हैं तो फनी हरकतें करने लगती हैं, हाथ पैर फेंकने लगती हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। अरु की बैक साइड वीडियो में देखें कैसे अरु गाने की प्रैक्टिस के लिए हाथ में माइक लेती हैं और बैठे बैठे पंछियों की तरह हाथ घुमाती हैं और फिर वो माइक भी फेंक देती हैं और अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। पवन उनके सामने आते तो पवन का हाथ भी झटकने लगती हैं और उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। पवन भी अरु का ये पागलपन देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अरु की परफॉर्मेंस होने में कुछ ही टाइम था और अरु स्टेज के पीछे पागलपन वाली हरकतें करने में लगी थी। लंदन में पवन अरु ने अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से पूरा मंच हिलाकर रख दिया। गाने के साथ अरुणिता का बिंदास डांस भी सुर्खियों में बना है। लगातार कई सारी वीडियोस अरुणिता के डांस की देखी जा रही हैं। कभी ड्रेस पहनकर अरुणिता अदाएं दिखाती हैं तो कभी साड़ी पहनकर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। पवन अरुणिता यहां नाच गाने के साथ अपने फैंस के साथ भी खूब घुल मिल रहे हैं। लगातार वो वहां के लोगों के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। एक फोटो में पवन अरु रात के वक्त कहीं घूमने जाते हैं, तभी उन्हें उनका एक फैन मिलता है जिससे वो बातें करते हैं। पवन उनके साथ सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेते वक्त पवन की हंसी ने तो भाई मन मोह लिया। पवन की हंसी इसलिए खास है क्योंकि पवन को बहुत कम हंसते देखा जाता है। वो गाना गाते वक्त भी सीरियस मूड में रहते हैं, लेकिन अपने फैंस से मिलते वक्त पवन खिलखिलाते हुए हंसते देखे गए। अरुणिता भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरुणिता को लंदन में बहुत मजा आ रहा है। उन्होंने सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हुए हॉट फोटो शेयर की है, जिसमें अरु ऑरेंज टॉप और ब्लैक ब्लेजर में दिख रही हैं। आंखों में लाइनर और डार्क लिपस्टिक अरुणिता पर बेहद सूट कर रही है। अरुणिता का हेयर स्टाइल भी बहुत क्यूट लग रहा है। इसी लुक के साथ अरुणिता एक फोटो में साइली के साथ भी नजर आई। साइली बेहद बिंदास लुक में नजर आई। साइली की आवाज को बहुत पसंद किया जाता है। अगर सबसे ज्यादा लंदन जाकर कोई खुश है तो वो है साइली, क्योंकि ये पहला साइली का इंटरनेशनल टूर है। डे वन से साइली की एक्साइटमेंट देखी गई है। साइली के एक्साइटमेंट से लग रहा है कि वो गाने से कम मतलब रख रही हैं, बल्कि लंदन की सड़कों पर घूमने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है। कुछ दिन पहले ही दोनों का गाना मंजूर दिल रिलीज हुआ था। इस गाने को ताबड़तोड़ लाइक्स और व्यूज मिले और अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पवनदीप अरुणिता हाथों में हाथ डालकर डांस करते दिखाई दिए। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल को फैंस हर बार एक साथ देखना चाहते हैं। दोनों के डेटिंग की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं। हालांकि पवन ने ऐसी खबरों को सिर्फ अफवाह ही बताया। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों रोमांटिक गाना मनवा लागे सॉन्ग गाते दिख रहे हैं। दरअसल ये वीडियो किसी स्टेज शो का दिख रहा है, जिसमें पवनदीप अरुणिता स्टेज पर गाते नजर आ रहे हैं। अरुणिता ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है, जबकि पवनदीप भी ब्लैक आउटफिट्स में स्मार्ट लग रहे हैं। हाथों में हाथ डाले दोनों काफी अच्छे तरीके से गाना गा रहे हैं। वीडियो देखकर फैंस खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पा रहे। एक यूजर ने लिखा, दिल की बात जुबा पर आ गई है। दूसरे यूजर ने लिखा, लवली जोड़ी। एक और यूजर ने लिखा, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। कई यूजर्स वीडियो पर हार्ट भी बना रहे हैं। बता दें फैंस इनके इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के गाने मंजूर दिल में दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली थी। वहीं पवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अरुणिता उनकी सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं है।
पवन आरू लंदन में काम के साथ साथ अपने टूर को खूब एंजॉय कर रहे हैं। रात रात भर ये स्टूडियो में गाने और डांस की प्रैक्टिस करते हैं और सुबह ये स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं। कभी इनका चाय नाश्ता चलता है तो कभी इनकी साइकिलिंग चलती है और गेम भी ये खेलते हैं। बीच बीच में ये पार्क में जाकर खूब एंजॉय करते हैं। इनके खूब मस्ती भरे वीडियो सामने आ रहे हैं। इनके मौज मस्ती का एक वीडियो सामने आया है जिसने फैंस का दिन बना दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक अरू का मन साइकिल स्केटर चलाने का हुआ और उन्होंने स्केटर लिया और वो उस पर पैर रखकर चलाने में मस्त हो गई। हालांकि अरुणिता स्केटर पर चलाने में थोड़ा हिचक रही थी, उनके चेहरे पर उनका डर साफ नजर आ रहा था और अरू की ये बात पवन अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए पवन पास खड़े शख्स से बात तो कर रहे थे लेकिन उनकी नजरें सिर्फ अरुणिता पर ही टिकी थी कि कहीं अरुणिता गिर ना जाए। और आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, अरुणिता का पैर स्केटर से लड़खड़ा गया और उनका बैलेंस डगमगाने लगा। तो उन्होंने फौरन अरुणिता को तेज से आवाज लगाई, संभलो संभलो, रुको रुको। जब तक पवन उन्हें रोकते तब तक अरुणिता का स्केटर पास में लगे प्लर से टकरा जाता है। उसके बाद की वीडियो तो नहीं बन पाई क्योंकि अरुणिता नीचे गिर जाती है। पवन के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चला कि अरुणिता जरूर प्लर से टकराकर नीचे गिर गई है और प्लर से टकराती वो इस वीडियो में देखी भी गई है। यकीनन अरुणिता की चोट भी लगी होगी और उनका सिर भी घूम गया होगा। अरुणिता पहले तो स्केटर को बड़ी मस्ती से चलाती दिख रही थी लेकिन पवन की बातों में आकर उनका बैलेंस डगमगा जाता है और उनके चेहरे की हंसी एकदम गायब हो जाती है, वो गिरने लगती है। वैसे पवन अरु के मस्ती भरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जिस तरह से पवन इंडिया में अरुणिता के साथ दिखे थे वैसे ही वो लंदन में भी अरुणिता के हर एक पल साथ में ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इनके साथ दानिश और साहिली भी गए लेकिन पवन सबसे ज्यादा अरुणिता के क्लोज दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अरुणिता के पीछे पीछे बॉडीगार्ड की तरह चलते दिखाई दिए। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बार फिर इनकी नजदीकियां देखी गई हैं, जिसमें पवन अरु लंदन के किसी स्टूडियो में अपने गाने की प्रैक्टिस के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं जो इन्हें उस स्टूडियो तक लेकर जाने। इस बीच सबसे खास नजारा तब दिखा जब पवन की नजरें आगे चल रही अरुणिता पर ही टिकी हैं। जी हाँ, अरुणिता सबसे आगे हैं और उनके पीछे पवन उन्हें देखते ही जा रहे हैं। उनके साथ दानिश और साहिली भी दिखाई दिए लेकिन पवन की नजरें अरुणिता पर एक टक रहती हैं। वो अरुणिता का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे उनकी माँ उनका ख्याल रखती है। स्टूडियो के अंदर भी देखा जाता है कि अरुणिता गाना गाती है तब भी पवन उन्हें देखते ही रहते, उन पर पूरी नजर रखते हैं कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। अरुणिता पवन के साथ रहकर खुद को बहुत सेफ महसूस करती है। वैसे आपको पवन आरू की बॉन्डिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।